हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजी पाठशाला। स्टार्ट करते हैं ईवीएस की वीडियो, जिसमें आज हमारा रहेगा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आई होप सो आप सभी की यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी तक एग्ज़ाम की डेट कोई भी क्लियर नहीं हुई है। जितने लोग आपको बता रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम 19 जनवरी को होगा, कोई भी ऑफिशियल ये नोटिस नहीं आया है कि एग्ज़ाम आपका 19 जनवरी को ही होगा। ठीक है, तो अभी इस भ्रम में मत रहिएगा, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। बस आप क्या करिए, अपनी तैयारी करते रहिएगा और हम भी आपके साथ बने हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमसे बोला है कौन सी नकदी फसल नहीं है। तिलहन, चाय, सोयाबीन या फिर धान। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। जो धान है वो हमारी नकदी फसल नहीं होती। देखिए, नकदी फसल कौन सी फसल होती है, ऐसी फसल जिसके बदले में क्या होता है ना, जिसके बदले आप ये कह सकते हैं नकद, यानी आपको पैसा ज़्यादा मिले। जैसे अगर हम बात करें गन्ना, गन्ना भी हमारी नकदी फसल होती है। तंबाकू, तंबाकू भी हमारी जो होती है वो नकदी फसल होती है। जो हमारी बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारी इंडिया की, भारत की आर्थिक स्थिति है, उसमें क्या करे, हेल्प करे, बढ़ावा दे, ऐसी फसलों को हम नकदी फसल कहते हैं। और धान हमारी नकदी फसल नहीं होती है। तो फर्स्ट का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सेकेंड देखिए, क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, CO2 और वाटर, इसका यूज़ करते हैं। 6 वो अणु लेते हैं CO2 के और 12 अणु लेते हैं वो हमारे जल के। और इसकी क्रिया के फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस। उसके साथ ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है और उसके साथ जल का निर्माण भी होता है। तो ऑक्सीजन के बनते हैं 6 अणु। तो ध्यान रखना है हमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे CO2 और वाटर से क्रिया करके बनाते हैं अपना खाना, और उसके साथ ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु रिलीज़ करते हैं। तो भाई इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में ही होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन में होती है। आगे बात करते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है। मतलब किंडरगार्टन जो विधि है उसके जन्मदाता का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रोबेल, सेकंड है क्रू एंड क्रू, थर्ड ऑप्शन है किलपैट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो देखिए, इसके लिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा, फ्रोबेल है इसके जन्मदाता। किंडरगार्टन विधि का मतलब है कि भाई किंडरगार्टन क्या हुआ, बच्चों का बगीचा हुआ, कि मतलब बच्चे जो हैं वो बगीचे में उन फूलों की तरह हैं जिन्हें शिक्षक को माली कहा है और बच्चों को फूल कहा है। तो माली जैसे अपने पौधों को सींचता है, बहुत प्यार से रखता है, इसी तरीके से शिक्षक को भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें प्यार से रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये होती है हमारी किंडरगार्टन विधि, और इस विधि के जो प्रणेता हैं वो हैं फ्रोबेल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रेणी जो कहाँ पाई जाती है। भाई जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो देखिए, जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। 1986, 2006, 1996, 2004। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, आपसे पास हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, फिफ्थ का बी ऑप्शन, 2006 को वन अधिकार अधिनियम जो था वो पास हुआ था। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देखिए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत बताना है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है अपने। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, मूंग, मक्का, गेहूं या फिर आलू। तो प्रोटीन का कौन सा इसमें से सबसे अच्छा स्रोत होगा,
तो देखिए, अगर हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका आंसर होगा मूंग। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मूंग के साथ साथ सोयाबीन भी दे रखा है मान लीजिए, तो एक ऑप्शन सोयाबीन भी होगा, तो आपको मूंग नहीं लगाना है, आपको सोयाबीन लगाना है। क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे यानी सबसे ही अच्छा स्रोत होता है वो सोयाबीन को माना जाता है, और मूंग तो बाद में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में सोयाबीन नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन मूंग होगा। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है। चारण का मतलब हुआ जो पशु होते हैं जो घास चरते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं उसे हम चारण कहते हैं। तो अगर वो जो चारण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वनस्पति क्षय हो सकती है, मृदा प्रदूषण हो सकता है, मृदा अपरदन हो सकता है, या फिर वनस्थिति स्थितिकरण। तो कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा पशुओं को चराया जाएगा। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पशु चारण होगा तो उससे मृदा अपरदन की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि देखिए, चारा मान लीजिए एक फील्ड है, उसमें जितनी भी घास है उसमें बहुत ज़्यादा चारण हो रहा है, तो वहाँ की पूरी घास जो पशु हैं उन्होंने खा ली है, तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधे कोई वनस्पति नहीं होगी। अब जिस मृदा में कोई पेड़ पौधे कोई वनस्पति नहीं होती उसका अपरदन बहुत जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पे मृदा अपरदन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8, किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। भाई, पारिस्थितिकी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, ये नहीं बोला था कि पारिस्थितिकी शब्द दिया किसने, बोला है प्रयोग किसने किया है। मेंडल ने, V.S. अर्नाल्ड ने, अर्नेस्ट हेकल ने, या फिर A.S. मिशेल ने। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि भाई पारिस्थितिकी शब्द का शब्द पहले जो प्रयोग किया था वो किया था अर्नेस्ट हेकल ने। तो 8 क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 9 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत में सोयाबीन उत्पादन का अग्रणी राज्य है। भाई, सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा राज्य उत्पादित करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र दो दो बार आ गया, एक महाराष्ट्र को आप क्या कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। कोई से भी मान लीजिए आपके पास 3 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है। तो देखिए, सोयाबीन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाते हैं कि भाई उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, गन्ना उत्पादन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रख के इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर अप करना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया था। तो देखिए, एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था, ठीक है, और घोषणा पत्र जो कि हुआ था, ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था, दिन प्रतिदिन पर्यावरण की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, एक पृथ्वी सम्मेलन जो था वो किया गया था, और ये पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया था ताकि हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें और जितनी भी हानिकारक चीज़ें हानिकारक गैसें हैं उसका उत्सर्जन कम करें। तो उसके लिए जो देश हैं उनको एजेंडा 21 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो भाई, एजेंडा 21 जारी कब किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th, किस तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है। पाश्चुरीकरण का मतलब है जब दूध को पैकेजिंग, मतलब दूध को पैकेट्स में पैक किया जाता है, तो तब दूध का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। 62.8 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस, दोनों हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन इसके लिए सही है, 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। के और बी, ई और सी, बी और सी, और ए और बी। तो देखिए, अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के ये जो विटामिन है ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं, तो आप ए, डी, ई और के लगा के आएंगे, और अगर जल में घुलनशील पूछा जाएगा तो बी और सी लगा के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन 13 देखते हैं, 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है। 88 किलोमीटर,
92 किलोमीटर, 98 किलोमीटर या फिर 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं। इस तरीके से ये जो रेखाएं मैंने बनाई हैं ये रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं। और अगर देशांतर की बात की जाए तो इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं वर्टिकली उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाएं किस तरीके से होती हैं और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो देखिए, पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था गुजरात में। तो 14 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कि भाई सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? चांदी, संगमरमर, प्लेटिनम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सफ़ेद सोना को जो जाना जाता है वो हम कहते हैं प्लेटिनम। सफ़ेद सोना का मतलब क्या हो गया? वाइट गोल्ड। भाई वाइट गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? प्लेटिनम को जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस एंड आई होप सो आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। अगर आपको प्लीज़ ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रैक्टिस से शायद। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बने रहेगा। आपके पेपर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब भी आपका पेपर होगा अपना पेपर अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।